अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कीमा बिरयानी। तो ये मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया और बर्तन को ये ऐसा लेंगे ताकि उसमें चावल नीचे लगे नहीं। ये मैंने एक मोटे बर्तन, मोटे पैंदे का बर्तन होना चाहिए तो ये, और चौड़े मुँह का ये मैंने वो लिया है। 4 चम्मच तेल लिया, वो गरम कर उसमें साबुत मसाले डाले और 2 बारीक कटी हुई प्याज, बारीक मतलब स्लाइस कटी हुई, और अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याजों को। तो ये हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये ऐसे ही इनको हम निकाल लेंगे, बाहर रखे रखे भी ये बहुत अच्छे से एकदम करारी हो जाएंगे। तो इसमें से मैं थोड़ी प्याज निकाल कर रख रही हूँ ताकि बिरयानी के ऊपर मैं इनको डालूँगी प्याजों को, और आधी हम इसी में छोड़ देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, और थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे कीमा। ये मैंने 400 ग्राम चिकन लिया, बोनलेस चिकन, और उसको मैंने चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे चाकू से इसका कीमा बना लिया, या आप मिक्सी में बना लें। उसको पहले अच्छे से मैंने धोया और उसका पानी निकाल कर फिर अच्छे से उसका कीमा बना लिया। तो ये अच्छे से भून लिया मैंने। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और 4 चम्मच इसमें डाल देंगे दही। और यह हमने 4 चम्मच दही डाल दी। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इनको अच्छे से भून लेंगे। इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारी दही, ताकि फट ना जाए, इसको जब तक उबाल ना आए इसमें, इसको चलाते रहेंगे। और ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया, और अब इसको इसमें डाल देंगे। और अब इसको रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर, ताकि हमारे टमाटर वगैरह सारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए कितना पानी इसने छोड़ा है। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस को कर देंगे बंद और कीमा हमारा तैयार है। हम चावलों के लिए पानी चढ़ाया है मैंने ये 2 लीटर, और इसमें कुछ साबुत मसाले डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, और 2-3 हरी इलायची, और 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा तेल। इसीलिए हमारे चावल बहुत ही अलग अलग रहेंगे एकदम तेल डालने से। और अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और अब इसको उबलने देंगे पानी को। तो पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें डाल देंगे चावल। ये मैंने 300 ग्राम चावल लिए हैं और ये मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे चावल धोकर अच्छे से। तो अब इनको हम अच्छे से
एक कनी का हम इनको रख लेंगे चावलों को, और आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। तेल और नींबू का रस डालने से एकदम चावल खिले खिले ये बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये देखिए चावलों को हम पूरा तरह से गलाएंगे नहीं, तो ये हमारे चावल एकदम तैयार हैं जैसे हमें चाहिए। गैस को बंद कर देंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। और कीमा के नीचे दोबारा मैंने गैस जलाया है, और अब इसको ऊपर डाल देंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और ये मैंने जो प्याज निकाली थी प्याज, और आधा नींबू का रस डाल देंगे ताकि इसमें भी नींबू का स्वाद आए। और अब ऊपर से डाल देंगे चावल। अच्छे से फैला देंगे चावलों को। ये मैंने थोड़ा सा दूध में फूड कलर लिया है, येलो कलर आपको डालना है, अगर नहीं डालना है तो आप ना डालें, पर ये अच्छा लगता है कलर, इसलिए मैंने डाला है बिरयानी में। तो ऊपर से थोड़ी सी प्याज, धनिया, पुदीना डाल देंगे थोड़ा। ये देखिए हमारी बिरयानी अभी से कितनी अच्छी लग रही है। दो तीन मैंने हरी मिर्च डाली है, और ऊपर से इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम घी। ये मैंने 2 चम्मच घी लिया है। और अब इसको रख देंगे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए, दम लगाएंगे हम इसमें। तो 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे चावल आप देखिए एकदम अच्छे से पके हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही है बिरयानी। एकदम खिले खिले चावल बने इस तरह से। और पानी थोड़ा खुला पानी लें उस टाइम पर जब आप इसको चावलों को उबालें, क्योंकि उसी से ही उसका जो मांड है वो निकलता है, इसलिए खिले खिले चावल बनते हैं। ये देखिए एकदम खिले हुए चावल बने, बहुत ही अच्छी मसालेदार बिरयानी हमारी तैयार है, कीमा बिरयानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है तो मेरा मेन चैनल है परवीनाज किचन के नाम से, वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लें। वो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लें।